सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। आज के वीडियो में दिखाने वालों अभी जो आपने प्रीव्यू में स्टेटस देखा उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट एप्लीकेशन के अंदर। इस टाइप का स्टेटस यार काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी और इसे क्रिएट करना भी बहुत ही आसान है। तो यार वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आप इस टाइप का स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना एंड यहाँ पे वीडियो वाले जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको अपना फोटो ऐड करना होगा। ओके, सो फोटो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फोटो वाले सेक्शन में आ जाते हैं। नाउ फोटो वाले सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे मीन्स आपके गैलरी में जितने फोटो होंगे ना वो सारे दिखा दिए जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से मीन्स फाइंड आउट करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है या फिर ये बोलो मिल नहीं रहा है जल्दी, तो आपको क्या करना, ये रिसेंट के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से आप अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। जिस भी फोल्डर में मीन्स आपका सारा फोटोज होगा उस वाले फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेरा इस वाले फोल्डर में, सो इसे हम सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आपका जो भी मीन्स फोटो होगा उस वाले फोटो के ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। डन करने के बाद ये हमारा ऐड हो गया ना। उसके बाद हमें इसको मीन्स एक साइज देना होगा। सो उसके लिए जस्ट सिंपली से आपको कैनवा पे क्लिक करना एंड यहाँ से 9:16 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना काम कर लेना है, देन यहाँ से करना है हमें डन। डन करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन उसे हमें इंक्रीज करना है। तो देखो ड्यूरेशन आप दो तरह से इंक्रीज कर सकते हो, ऐसे आप मैनुअली इंक्रीज कर लो या फिर यहाँ पे ड्यूरेशन का एक बटन देखने को मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना, देन एडिट के ऊपर क्लिक करना एंड 20 सेकंड 10 सेकंड जितना सेकंड का आप बनाना चाहते हो उतना कर लेना और यहाँ से कर देना डन, ठीक है। ये काम कर लेना है, बट आप यहाँ देख सकते हो इसके पीछे में ब्लर हो रहा है, तो उसे रिमूव करने के लिए कैनवास पे ही आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ से इसे कर देना पूरा मैक्स, ठीक है। तो देख सकते हो इसका जो मीन्स ब्लर वाला इफेक्ट था वो हट गया, ठीक है। नाउ ये हो जाए, देन उसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट पे आना एंड यहाँ पे अपना फोटो को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। सिंपली से आप क्या करना, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देना, देन यहाँ पे सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना और यहाँ पे जो आपको मिलता है विंटेज इसे आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप कर लोगे तो आपका जो फोटो होगा वो मीन्स सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा फोटो था एंड हमारा ये हो चुका ना। उसके बाद क्या करना है, डन करना है एंड यहाँ पे आपको इफेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आना है स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ ब्लर मिल जाएगा। सो ब्लर को आपको इनेबल करना है एंड यहाँ से इसका स्ट्रेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप देख लेना आपके फोटो के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा इतना में सही लग रहा है, हम इतना रखते हैं एंड इसे करते हैं डन, ठीक है। इतना कर लेने के बाद ये ब्लर का जो इफेक्ट है उसे पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देना है, देन यहाँ से हमें करना है डन। तो ये देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, पीआईपी के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक वीडियो इंपोर्ट करना होगा जिसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करके रिसेंट पे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वीडियो को डाउनलोड किया तो रिसेंट में हमें मिल ही जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है, अपने वीडियो के ऊपर टाइप करना है, कुछ ऐसा वीडियो होगा सो आप इसे सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद इसे कर लेना है फिल स्क्रीन, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिल स्क्रीन में आप आ जाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा होगा क्रोमा, ठीक है। तो क्रोमा के ऊपर क्लिक करना और जो ग्रीन कलर है उसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, स्ट्रेंथ को आप थोड़ा इंक्रीज कर देना, तब तक इंक्रीज करना जब तक इसका मीन से बैकग्राउंड से ग्रीन ना हट जाए, ठीक है। तो यहाँ 75 में मेरा हट जा रहा है, तो इतना रखते हैं एंड कर दें डन, ठीक है। देन उसके बाद इसका जो है पूरा वीडियो के लास्ट में आना है और यहाँ से कर देना है इसे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद डिलीट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ तक ये मीन्स हमारा इफेक्ट ऐड हो गया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। उसके बाद हमें इसे कर लेना है सेव। तो सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कर लेंगे इसे सेव। सो सेव हो जाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जस्ट आपको फोटो के ऊपर आना होगा, ठीक है। फोटो के ऊपर आना एंड जो आपने मीन्स अभी फोटो यूज किया था, ठीक है। तो जैसे कि हम रिसेंट में गए थे एंड देन उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स पिक में गए थे, देन उसके बाद इस वाले फोटो को सेलेक्ट किए थे, तो सेम फोटो को आपको सेलेक्ट करना होगा। डन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो हमारा ये फोटो आ गया ना। फिर से हमें यार यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करें, 9:16 को सेलेक्ट करना एंड इसे आप थोड़ा छोटा ही रखना है, ठीक है। इस बार हमें छोटा ही का जरूरत है तो इतना रखेंगे, देन डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करके यार इसे हम 20 सेकंड ही कर लेंगे, ओके ना। उसके बाद इसे करते हैं डन। देन उसके बाद जो अभी आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया उस वाले वीडियो को यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना हो, ठीक है। तो पीआईपी के ऊपर क्लिक कर दे एंड फिर से वीडियो के ऊपर जाते हैं, रिसेंट में जाके हमारा वीडियो मिल जाएगा हमें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये वाला वीडियो जो कि अभी मीन्स हमने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इस वाले वीडियो को यहाँ पे हमने इम्पोर्ट कर लिया, देख सकते हो ये वाला है ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपली से हमें क्रोमा की के ऊपर क्लिक करना है एंड ये ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद इसका भी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये ग्रीन कलर भी हमारा रिमूव हो गया और ये वाला इफेक्ट हमारा ऐड हो गया। देन डन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है लिरिक्स ऐड करना और एक वाले ऐड करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे हम बैक करेंगे और पीआईपी वाले फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन ऐड पीआईपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट आपको एक लिरिक्स ऐड करना है। इसका भी लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, सो इसे आप यहाँ पे ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद थोड़ा इस तरीके से आप इसे इंक्रीज कर लेना, ठीक है, एंड नीचे में लाके इसे फिक्स करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा ब्लेंड, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ देख सकते हो आपका जो ये वीडियो में है वो लिरिक्स ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिरिक्स ऐड कर लेना। फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग में आना, एंड पीआईपी के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरले ऐड करना है, ठीक है। सो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे इस तरीके से रोटेट करके पूरा फिल स्क्रीन आपको कर लेना है। देन उसके बाद अगेन ब्लेंड पे आना होगा एंड ब्लेंड को स्क्रीन में सेलेक्ट कर देना है। देन यहाँ देख सकते हो आपका जो स्टेटस है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। जस्ट यहाँ पे लास्ट में आना है एंड जो भी पार्ट मीन्स एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है उसे स्प्लिट करो, देन डिलीट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से करके यहाँ पे ये जो स्टेटस है वो हमारे क्रिएट हो चुका है ना। उसके बाद डन कर दे एंड एक बार मैं यहाँ पे आपको फाइनली दिखाता हूँ किस टाइप का बना हमारा। तो देखो यार, यहाँ पे पीआईपी में एक फंक्शन ये है ना कि जिसे आप मीन्स टैप करोगे वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या था कि मीन्स मैंने ये वीडियो को टैप कर दिया था जिसके कारण कि मेरा जो लिरिक्स है वो नीचे चला गया। तो हम क्या करते हैं, लिरिक्स के ऊपर टैप कर दे, देन ओवरले के ऊपर भी टैप कर देते ताकि यार वो मीन्स ऊपर में रहे, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके साथ, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। सो यहाँ देख सकते हो हमारा जो स्टेटस वो क्रिएट हो चुका। नाउ सेव के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसे कर लेंगे सेव। तो इस तरीके से हमारा स्टेटस बन गया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।